आज मैं आप सभी बीएलई भाइयों को न्यू पोर्टल लॉगिन जर्नी के बारे में आज आपको जानकारी दूंगा। आपके सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल पर दो प्रोडक्ट दिए गए हैं, जिसमें आप लाइफ इंश्योरेंस का व्यवसाय कर सकते हैं। तो जो अभी नया पोर्टल है उसमें माइक्रो इंश्योरेंस न्यू बिजनेस जर्नी सीएससी ऑनलाइन। सबसे पहले आपको अपना डिजिटल सेवा ओपन करना है। डिजिटल सेवा में आप अपना डिजिटल वीएलई आईडी एंड पासवर्ड डालते हैं, और जैसे ही आप स्क्रीन ओपन होता है तो ऑप्शन डिस्प्ले लॉगिन पेज ओपन होता है, वेलकम टू इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। इसमें तीन ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं, पहला क्लेम प्रोसेस, माई ट्रांजेक्शन एंड न्यू बिजनेस। तो चूंकि आपको न्यू बिजनेस करना है तो आपको न्यू बिजनेस चूज करना है, सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर ऑप्शंस आता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट चूज करना चाहते हैं। इस तरह से डैशबोर्ड आपको सामने दिखाई पड़ता है, जिसमें होम, डैशबोर्ड, गेट कोड एंड न्यू बिजनेस, माई डैशबोर्ड, प्रोडक्ट्स, माई अकाउंट्स, टोल फ्री, लॉग आउट, ये सारे ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ते हैं। तो न्यू बिजनेस करना है तो आपको न्यू बिजनेस पे जाना है और न्यू बिजनेस पे सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको इसमें बेसिक डिटेल्स सेक्शन आता है, जिसमें आपको मेंशन करना है कि कितने का सम एश्योर्ड, कितने का बीमा देना चाहते हैं क्लाइंट को अपने। तो वो आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना होता है अमाउंट, और उसके बाद वो प्रीमियम डिस्प्ले करता है, टर्म आप डिस्प्ले करना होता है, ईयरली, हाफ ईयरली, मेल, जेंडर में मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर ऑप्शन है, प्रीमियम पेइंग टर्म, डेट ऑफ बर्थ आप फिल करते हैं, तो प्रपोजल डेट एंड एज इसमें रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद जनरेट कोड पे आपको क्लिक करना होता है। जनरेट कोड पे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके से पेज अपीयर होता है सामने, जिसमें आपको इंस्टॉलमेंट प्रीमियम दिखाई पड़ता है कि कितना प्रीमियम आपको पे करना है 5 ईयर्स तक ईयरली। सपोज जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है तो इसमें 15 साल का टर्म है और पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म 5 ईयर्स है। उसके बाद इसमें पूछता है कि आपको लमसम पेमेंट चाहिए या 5 ईयर्स, तो लमसम पे नॉर्मली सिलेक्ट करते हैं, कर सकते हैं। एंड इसमें ऑप्शन आता है कि लाइफ इंश्योर्ड एंड जार्डियस ऑक्यूपेशन, तो आपको नो करना है। इज लाइफ इंश्योर्ड एंड प्रपोजल आर सेम, तो यस। अगर प्रपोजल एंड लाइफ इंश्योर्ड डिफरेंट है तो नो करना होता है। एंड जनरेट पे क्लिक करके BI आप निकाल सकते हैं एंड कन्फर्म एंड प्रोसीड करते हैं। तो आपका फिर बेसिक डिटेल आता है, पर्सनल डिटेल्स मॉड्यूल, KYC सेक्शन, मैनुअल KYC। यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल में ऑप्शन पूछता है कि आपको मैनुअल KYC करना है या CKYC करना है। तो नॉर्मली मैनुअल KYC करने पे क्या होता है कि आपको अपना डिटेल डालना होता है। CKYC में भी ऑप्शन आता है कि अगर आप CKYC करते हैं तो आपको अपना इसे यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। अगर CKYC तो आपसे पूछता है कि डू यू वॉन्ट टू वेरीफाई विद CKYC और मैनुअल KYC, तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया। CKYC करेंगे तो आप पैन नंबर आपको डालना होता है एंड नेम और DOP, जेंडर, मोबाइल नंबर, CKYC नंबर जनरेट हो जाता है और उसके बाद आपको आगे प्रोसेस आता है, एड्रेस वगैरह अपने आप फेच कर देता है। लेकिन मैनुअल KYC में आपको डिटेल फिल करना होता है। पर्सनल डिटेल्स ये बहुत इम्पोर्टेंट है बीएलई भाइयों को जानना। ये नया स्टार्ट हुआ है इस पोर्टल पे, जिसमें आपको DMDC का कोड यानी एम्प्लॉई कोड है इसमें, तो आप इसको अगर नहीं डालते हैं इट्स नॉट मैंडेटरी, बट अगर आपको जानकारी है तो आप डाल सकते हैं CSC SPD एंड 4 डिजिट का एम्प्लॉई कोड होता है, तो 6 इसमें आप 7 डिजिट एंट्री कर सकते हैं। DMDC का नाम, फर्स्ट नेम, सपोज उनका नाम राकेश सिंह है तो राकेश फर्स्ट नेम एंड सिंह लास्ट नेम में डाल दें, एंड BLE अपना मोबाइल नंबर और डिजिटल सेवा पोर्टल ID जिससे आप अपना पोर्टल लॉगिन करते हैं। तो ये डिटेल आपको डालना जरूरी है, ये डिटेल इसमें फिल कर दें। उसके बाद फिर पर्सनल डिटेल मॉड्यूल, लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल डिटेल सेक्शन Part 1, जिसमें आपको चूंकि मैनुअल KYC किया है तो ये सारा डिटेल आपको फिल करना होता है। आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल ID, मैरिटल स्टेटस, सिंगल और मैरिड, रेजिडेंशियल एड्रेस, मेल, फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, एज आ जाता है ऑटोमेटिक, ग्रेजुएशन है कि इंटर पास हैं, जो भी उसमें डिटेल आप डाल सकते हैं। ऑक्यूपेशन में बिजनेस है, सैलरीड है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट प्रोफाइल में ऑप्शन आता है कि प्रोफाइल वही बिजनेस है उसका क्या करते हैं। एनुअल इनकम आप इसमें फिल करते हैं। सोर्स ऑफ इनकम में वही डाल सकते हैं, बिजनेस है कि सैलरी से इनकम हो रही है।
नेचर ऑफ वर्क, जैसे इसमें दिया है आईटी है, तो जैसे नेचर ऑफ बिजनेस सीएससी सेंटर चलाते हैं तो डिजिटल वर्क करते हैं तो डिजिटल वर्क डाल सकते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं ऑनलाइन वर्क डाल सकते हैं, या कोई सैलरीड पर्सन है टीचर है तो उनको टीचिंग आप यहाँ पे नेचर ऑफ वर्क डाल सकते हैं, या कहीं जॉब करते हैं एडमिन वर्क है तो एडमिन वर्क डाल सकते हैं, इस टाइप के ऑप्शन इसमें डाल सकते हैं, आप फिल कर सकते हैं। टोटल ऑफ टोटल ईयर्स ऑफ सर्विस बिजनेस, कितने साल से ये व्यवसाय कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, ईयर डालना होता है न्यूमेरिक वर्ड में। ऑर्गेनाइजेशन टाइप, प्राइवेट लिमिटेड है, पार्टनरशिप फर्म है या प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो नॉर्मली प्रोप्राइटरशिप होता है तो प्रोप्राइटरशिप आप इसमें डाल दें। नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस, ये सीएससी सेंटर तो आपका सीएससी सेंटर किस नाम से है यहाँ पे डाल दें, जिसका पॉलिसी करें उसकी डिटेल की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको लेके, बट इट्स मतलब जो क्लाइंट का डिटेल है वो डालना है। सपोज मान लीजिए प्राइमरी स्कूल में टीचर है तो आपको प्राइमरी स्कूल डालना है, वहाँ पे आधुनिक शिक्षा परिषद बोर्ड जो भी है यूपी का आपको डालना है, प्लस एप्लीकेशन नंबर एंड मोबाइल नंबर आपको डालना होता है, एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है। एंड हाइट एंड वेट इसमें आपको देखिए मेंशन है 163 एंड 534, तो जो भी क्लाइंट का हाइट एंड वेट है वो आप इसमें एंटर कर दें, फिर आपका ये डिटेल फेच हो जाता है। डू यू हैव पैन, पैन यस करते हैं तो पैन नंबर डालना होता है, नो करते हैं तो फॉर्म 16 होता है तो आपको करना होता है। हैव यू अप्लाइड फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज विद इंडिया फर्स्ट लाइफ या किसी और कंपनी से, मतलब कि यहाँ पर अगर आप यस करेंगे तो आपको डिटेल पॉलिसी नंबर डालना होता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि कस्टमर से जरूर ये क्वेश्चंस करें कि अगर कस्टमर की ऑलरेडी पॉलिसी और कंपनी में चल रही है तो उनका पॉलिसी नंबर और सम एश्योर्ड हुए डिटेल इसमें मांगेगा वो आप डाल दें, सो दैट कि आगे फिर क्वेरी ना आए और पॉलिसी इशू हो। आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, नो कर दें यहाँ पे, और सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपको फिर आएगा लाइफ एश्योर्ड एड्रेस डिटेल्स, तो लाइफ एश्योर्ड का जो एड्रेस डालें, जो आधार कार्ड या जो भी आप जिला पंचायत जो भी आप एड्रेस प्रूफ में लगा रहे हैं एग्जैक्ट वही डिटेल इसमें होना चाहिए, पिन कोड वगैरह चेक कर लें। सिटी एंड स्टेट ऑटोमेटिकली शो करेगा, इंडिया ऑलरेडी शो करेगा कंट्री। उसके बाद फिर आता है पर्सनल एड्रेस मॉड्यूल पेमेंट ऑप्शन, तो ECS का ऑप्शन इसमें पूछता है कि आप ENH ECS करना चाहते हैं तो ENH पे आप सेलेक्ट कर दें, जो बैंक डिटेल आप दे रहे हैं IFSC कोड, बैंक नेम, अकाउंट नंबर, बैंक री अकाउंट नंबर, वही अकाउंट नंबर फिर से डाल दें, सेविंग है करंट अकाउंट है ऑप्शन पूछता है, अकाउंट होल्डर का नेम डाल दें एंड जनरेट इस पर टिक कर दें आई हैव एक्सेप्शन, जनरेट ECS PDF यहाँ पे जनरेट कर देंगे। फिर आपका पर्सनल डिटेल मॉड्यूल ऑप्शंस पेमेंट ऑप्शंस पूछता है, इसमें लिख के आ जाएगा ECS जनरेटेड सक्सेसफुली, ओके कर दीजिए आगे बढ़ जाइए। पर्सनल डिटेल्स मॉड्यूल पे आउट डिटेल्स, अब जब पॉलिसी मैच्योरिटी हो तो उस समय आपको किस अकाउंट में पैसा चाहिए, अगर डिफरेंट है तो आप डिफरेंट डाल दें, अदरवाइज वही बैंक डिटेल डाल के वेरीफाई करके आगे बढ़ जाए। पर्सनल डिटेल मॉड्यूल नॉमिनी डिटेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये डिटेल, इसको प्रॉपर सही से भरें। मैरिड है तो वाइफ को स्पाउस को बनाएं, अगर वाइफ ले रही है पॉलिसी तो हस्बैंड को बनाएं, और हस्बैंड ले रहे हैं तो वाइफ को बनाएं। इसमें फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम डालें, जेंडर डेट ऑफ बर्थ एज मोबाइल नंबर ईमेल आईडी, अगर उनका पर्सनल मोबाइल नंबर है तो जरूर डालें, ईमेल आईडी है तो जरूर डालें। रिलेशनशिप ब्रदर जैसे इसमें दिया गया है, मतलब जो भी रिलेशनशिप है जिनका बीमा कर उनसे क्या है। नॉमिनी परसेंटेज, इसमें आप एक को बना रहे हैं तो 100% डाल सकते हैं, या दो लोग को बना रहे हैं तो 50-50 करके कर सकते हैं, और इसको ऐड पे क्लिक करके आगे बढ़ जाए। पर्सनल डिटेल्स मॉड्यूल नॉमिनी डिटेल्स, तो ये आपका इसमें सारा डिटेल्स आ गया। उसके बाद EIA इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का इसके लिए पूछता है आपसे कि इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट नंबर आपका है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। अगर आप चाहते हैं क्रिएट करना तो क्रिएट भी कर सकते हैं, इसमें ऑप्शंस हैं, तो आप नो करके करना चाहते हैं तो नो करके आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज यस करेंगे तो डिटेल मांगेगा, डिटेल डाल सकते हैं। तो अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट नंबर डिटेल इसमें आ जाएगा। फिर आप आगे बढ़ जाए, नो किया है तो कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आपको आता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली अपलोड करना होता है। इसमें ऑप्शंस आता है, एज प्रूफ के लिए पैन कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पैन कार्ड डाल सकते हैं, एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड आप डाल सकते हैं, फोटो फुल साइज फोटो आप डालें अपनी, प्रॉपर बैकग्राउंड में प्रॉपर कोई और नहीं खड़ा हो, प्रॉपर फोटो हो, सही से प्रॉपर से स्टैंड किया हो, और
आईस उसकी ओपन हो, वो फोटो लगाएं। डॉक्यूमेंट जो लगा रहे हैं प्रॉपर देख लें कि जो हमने डिटेल भरा है वही डिटेल डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड पैन कार्ड का मैच कर लें कि दोनों सही है कि नहीं है, दोनों सेम है तो कोई बात नहीं है। अगर मान लो सपोज ऐसा भी होता है कभी कोई डिफरेंस होता है पैन कार्ड आधार कार्ड में, तो जो ज्यादा जिसमें एज है वही एज कंसीडर करती है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तो वो वाला एज डालें अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। फैक्ट एंड डॉक्यूमेंट्स इस तरह से दिख जाता है कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, एज प्रूफ अदर्स। अब जिससे कैंसिल चेक है तो अदर्स में आप अपलोड कर सकते हैं, एड एड करके आप इसको डाल सकते हैं। फिर ओपन एप्लीकेशन फॉर्म टू वेरीफाई, इसको आप ओपन कर सकते हैं। आई हैव रिव्यूड माई एप्लीकेशन एंड ऑल्सो एग्री टू द अबव टर्म्स एंड कंडीशंस, सबमिट करें, सेंड ओटीपी टू लाइफ शोर्ट जाएगा, ओटीपी डालें, उसको वेरीफाई करें, आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। फिर उसके बाद आप ड्यूरेशन एंड कन्फर्म प्रपोजल, आपको इस तरह से दिखाई पड़ेगा कि जो आपने ये पॉलिसी कर रहे हैं इसमें प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं, ईयरली है, मेल फीमेल डेट ऑफ बर्थ, एक बार यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपको कोई कुछ कन्फ्यूजन है तो आप बैक करके पेंडिंग से निकाल सकते हैं और फिर से प्रोसेस चेंज करके कर सकते हैं, और सब कुछ सही है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। पे नाउ पे क्लिक करें। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन एंड कन्फर्म प्रपोजल जैसा मैंने बताया, तो इस पर टिक करें कि मैंने एग्रीड हूँ, और गुड हेल्थ का डिक्लेरेशन पे टिक करें, जनरल डिक्लेरेशन बाय द लाइफ इंश्योर्ड पे टिक करें, पे नाउ पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका माई ट्रांजेक्शन जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, तो वहां से आप डिटेल वगैरह निकाल सकते हैं। माई ट्रांजेक्शन में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि कितना बिजनेस आपने किया है, कोई पॉलिसी पेंडिंग है तो पेंडिंग उसमें दिखेगी, और सक्सेसफुल है तो यहाँ से रिसिप्ट, लास्ट ऑप्शन में रिसिप्ट दिख रहा है, यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं और अपना प्रिंट आउट निकाल के कस्टमर को दे सकते हैं। तो इस तरह से आपका सक्सेसफुल हो जाता है, आपका प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है। क्लेम प्रोसेस के लिए इसमें क्लेम प्रोसेस के लिए भी आप, अगर सपोज कोई कस्टमर का क्लेम आता है तो क्लेम कैसे करेंगे इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा आपको। इसमें क्लेम प्रोसेस जो इनिशियली आपको बताया था कि तीन ऑप्शन दिखते हैं, क्लेम प्रोसेस, माय ट्रांजैक्शन एंड न्यू बिजनेस, तो क्लेम प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इंटीमेट करने के लिए आता है कि आप इंटीमेट करें क्लेम इंटीमेशन। तो यहाँ पे आप पॉलिसी नंबर डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, डेथ डेट डाल दिया और डेट ऑफ डिसमाइस उसका डाल दिया, क्या रीजन है डेथ का वो डिटेल डाल दिया, तो आपको इसके बाद क्लेम इंटीमेशन हो गया। फिर आपके पास जो भी ईमेल आईडी वगैरह पॉलिसी में पड़ी हुई है उस पर आपको इंटीमेशन आएंगे, इन्फॉर्म किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच।